हेलो एवरीवन, टुडे आई वांट टू एड्रेस अ वेरी इम्पॉर्टेंट नीड ऑफ द आवर। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोग अपने बच्चों को किसी ऑर्फनेज, ओल्ड एज होम या किसी एनजीओ में लेकर गए हैं ताकि वो देखें कि लाइफ की रियलिटीज़ क्या होती हैं। क्योंकि आज की डेट में हमारे बच्चे, जिन्हें हम इतना पैम्पर करके अपने घरों में प्रोटेक्टेड शेल्स में रखते हैं, सबके एक एक दो दो ही बच्चे हैं और हम चाहते हैं कि उन्हें सारी फैसिलिटीज़ मिलें, दैट्स ऑल फाइन, बट वी शुड ऑल्सो मेक देम सेंसिटिव। इट पिंचेज मी व्हेन आई सी द स्टूडेंट्स, जब वो बच्चे दूसरों की पेन को समझ नहीं पाते हैं। सो दैट इज़ वेयर वी एज अ सोसाइटी आर फॉलिंग डाउन। हमें खुद भी जाना चाहिए और अपने बच्चों को एटलीस्ट ड्यूरिंग द समर वेकेशन, अगर आपको लगता है कि नॉर्मल रूटीन में किसी के पास टाइम नहीं है, फाइन, बट ड्यूरिंग द समर वेकेशन जब हम बच्चों का हम अपना प्लान बनाते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमें बच्चों को घुमाने ज़रूर ले जाना है, ट्रिप पे ले जाना है आफ्टर 6 मंथ्स, तो हम अपने प्लान में एक बार ये भी रख सकते हैं कि इन एवरी 6 मंथ्स हम अपने बच्चे को कुछ ऐसी जगह का एक्सपोजर दें जो उनके लिए नॉर्मल नहीं है, ताकि उन्हें भी दूसरे लोगों की थोड़ी परेशानियों से हम अवगत करा पाएँ। सो द मेन रीज़न फॉर दिस, अगर आप कहेंगे कि बच्चा नहीं मानेगा या 10th, 11th, 12th के बच्चे इस बात के लिए राज़ी नहीं होंगे, वो बिल्कुल होंगे। आप इसको दूसरे तरीके से भी देखेंगे, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि स्टडी अब्रॉड के प्रोफाइल में हमारा ये एनजीओ का वर्किंग या उसका जो सर्टिफिकेट है या सोशल स्किल्स जो होती हैं, दे डू मैटर अलॉट। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि शायद वेस्टर्न सोसाइटीज़ हमसे ज़्यादा जल्दी आगे चलेगी, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को बिल्कुल भी अपने पे डिपेंडेंट नहीं रखा। सो अगर हम अपने बच्चों को वंस इन अ ईयर, इफ नॉट हाफ ईयरली, तो साल में एक बार तो कम से कम हम उनको किसी एनजीओ में 2 दिन के लिए सोशल सर्विस के लिए लेकर जाएं, हम खुद भी वहाँ रहें, अपनी प्रेजेंस में कराएं, वी विल बी लाइक द रोल मॉडल फॉर द स्टूडेंट्स एंड आर चिल्ड्रन, एंड चिल्ड्रन विल ऑल्सो गेन एम्पैथेटिक नेचर। उन्हें भी ये सेंसिटिविटी होगी, क्योंकि कल को व्हेन वी विल बी इन द ओल्ड एज, दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड आर प्रॉब्लम्स एज वेल। एंड नॉट ओनली दिस, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमेशा ज़रूरी होती है। हमें कैसा भी करियर हो, हमारा कोई भी प्रोफेशन हो, अगर हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ को भी साथ साथ निभाते हैं, तो वी विल ऑलवेज गेन एन इनर सेटिस्फैक्शन। और हमें अपने बच्चों को भी ये एक इनर सेटिस्फैक्शन की फीलिंग देनी चाहिए। दिस इज़ वॉट आई एक्चुअली फील।